हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चैनल बीटेक पर। दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे उनमें आपको क्या कमियाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बेसिकली देखा जाए तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन एक इस टाइप के स्मार्टफोन होते हैं, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन इस टाइप के स्मार्टफोन होते हैं जिसमें कि आपको हर एक चीज़ काफ़ी अप्रोप्रिएट देखने को मिलती है, हर एक चीज़ आपको बेस्ट रूप में देखने को मिलती है। जैसे कि प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, और आपको अगर रैम भी अच्छी मिलती है उस स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ कमियां हर एक स्मार्टफोन में रह जाती है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स में आपको देखने को नहीं मिलती, वो होती है कंपनी की जो अपनी ही बनाई हुई चीज़ें होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती। बेसिकली दोस्तों, अगर आप देखें जैसे कि आज की डेट में आपको वन प्लस जो स्मार्टफोन है वो आपको फ्लैगशिप किलर मार्केट का काफ़ी बड़ा मतलब कि माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें होती है वो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओप्पो वीवो और जो वन प्लस है वो एक ही कंपनी के अंडर आती है। तो दोस्तों, जो वन प्लस है वो मतलब कि आपके ओप्पो और वीवो की जो इनोवेशन होती है उसका यूज़ करती है। एक चीज़ प्रूव करती है कि जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स होती है वो मतलब कि खुद डेवलपमेंट नहीं करते, वो जो दूसरी चीज़ों की डेवलपमेंट दूसरी कंपनीज की डेवलपमेंट पर जीते हैं। तो दोस्तों, ये एक नेगेटिव माना जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि दोस्तों, अगर हम फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स में डेवलपमेंट करने की कोशिश करें तो जो कंपनी होता है उससे मतलब कि काफ़ी लॉस देखने को मिल सकता है। जो प्राइस होता है वो बढ़ जाएगा स्मार्टफोन का, क्योंकि दोस्तों जो डेवलपमेंट का प्राइस उस आपके स्मार्टफोन के प्राइस में जुड़ जाएगा। तो एक बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको प्राइस अच्छा रहेगा तो आप इससे मतलब कि इक्वल या फिर अगर आप डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि प्राइस जाता रहे लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो दोस्तों इससे अगर आप मानते हो तो आपको नेगेटिव वे में ये ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स होते हैं उन्हें अपने जो सब ब्रांड्स होते हैं उन्हें मार्केट में लाने की जरूरत पड़ेगी ताकि जो सब ब्रांड्स हैं वो रिस्क ले और जो इनोवेशन है उसका यूज़ फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स कर सके। तो ये एक नेगेटिव बात बन सकती है किसी कंपनी के लिए कि उसे एक सब ब्रांड लाना जरूरी बन जाता है। वरना जैसे कि आप जानते हैं कि शाओमी जैसे स्मार्टफोन्स वाली वो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स बनाते हैं लेकिन उनके पास सब ब्रांड्स नहीं है, इस कारण उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि वो इतना आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाए जैसे कि वन प्लस ने किया। जो स्मार्टफोन्स होता है वो मतलब कि बेसिकली इस टाइप के जैसे कि प्रोसेसर्स तो नहीं, लेकिन रैम जो होती है वो आपको थोड़ी सी खराब देखने को मिलती क्योंकि है। दोस्तों, जो उसमें स्मार्टफोन में रैम का यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ और इसमें। दोस्तों, अगर क्लॉक स्पीड की बात भी कही जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपको फुली क्लॉक्ड स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता। मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन की क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है तो आपको कम से कम जो मिड रेंज या फिर आपको जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें आपको फुली क्लॉक्ड स्मार्टफोन नहीं मिलता, मतलब कि आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज़ दे देंगे। तो दोस्तों, इससे स्मार्टफोन की जो कैपेबिलिटी है चीज़ यूज़ करने की तो उसमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिलती है, थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप डिज़ाइन वाइज बात करें तो डिज़ाइन वाइज वैसे तो स्मार्टफोन सही है, लेकिन फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो होता है वो ज़्यादा प्रीमियम देखने को लगता है, तो अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है आपको डिज़ाइन वाइज। वैसे जो वन प्लस स्मार्टफोन है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी जैसे कि बाकी स्मार्टफोन्स भी है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है जो आपको मतलब कि फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स के रूप में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से कमियां देखने को मिलती है आपको इस टाइप के स्मार्टफोन्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज हर दिन लाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।